पीएफआई के हेड परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। मानशु, इनके खिलाफ क्या सबूत है, इनका क्या रोल है पीएफआई में, क्या सामने आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो ये कार्रवाई हुई है वो एक घटना या एक दिन के बाद नहीं हुई है। इस कार्रवाई से पहले कई बार पीएफआई का नाम विवादों से जुड़ा है। सबसे पहले नंबर एक जो फंडिंग है, तो इनके पास जो फंडिंग आती है वो कितनी लीगल है कितनी इलीगल है उसकी इन्वेस्टिगेशन पिछले कई दिनों से चल रही थी। चाहे सीए का विरोध हो, चाहे हिजाब का प्रदर्शन हो, चाहे वो गजवाई हिंद को लेकर फुलवारी शरीफ में जो कुछ हुआ उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई, जो कराटे कैंप चल रहा था, तो इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही थी। और वो फंडिंग के लिए जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसमें कई सारे सबूत मिले एनआईए को। और उसके बाद इस बार जब इस छापेमारी को अंजाम दिया गया तो जिस तरीके से एजेंसियों ने इसको अंजाम दिया उससे साफ जाहिर है कि उनकी मंशा काफी हद तक क्लियर थी कि सबसे पहली बात कि गिरफ्तारियां जिनके खिलाफ उनके पास सबूत थे उनकी गिरफ्तारियों की उनकी प्लानिंग थी। रात के वक्त का तय किया गया कि 1 बजे एक साथ हम एफआईआर रेड करेंगे। तो जो ये तमाम जो पिछले कई महीनों से, बल्कि कह सकती है कि तकरीबन 1-2 साल से जो एजेंसियां काम कर रही थी और बार बार जो पीएफआई का नाम आ रहा था हर विवादों में, उसके बाद जो तमाम सबूत जुटे हुए थे उनके आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। और साथ ही साथ जब रेड की गई तो उस रेड के दौरान कई जगहों से दस्तावेज मिले हैं और उन दस्तावेजों के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी एनआईए मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनीष, देखिए, एक ईडी का काम करने का एक पैटर्न होता है, पीएफआई के केस में भी वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। जब वो एक्शन लेती है तो पैन इंडिया ये एक्शन लिया जाता है, जहां जहां उस संगठन से जुड़े उनके ठिकाने होते हैं उन पर छापेमारी की जाती है। लेकिन क्या इस एक्शन में आपको कुछ बदलाव, कुछ अलग दिखाई दे रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इसके पहले जो हमने देखा है कि एनआईए हो, ईडी हो या कोई भी दूसरी एजेंसी हो, जब उन्होंने पीएफआई के ऊपर कोई कार्रवाई की है तो किसी एक मामले को लेकर किया है। जैसे कि ईडी की अगर बात कर ले तो उन्होंने हाथरस मामले में जब केस में जांच की थी तो पता चला कि उसमें पीएफआई के जो सदस्य थे उनकी मंशा थी कि हाथरस के बहाने वो वहां पर जो कानून व्यवस्था उसको खराब कर सके, देश में माहौल खराब कर सके। उसी तरह से जब उन्होंने दिल्ली में दंगों को लेकर जांच की तो उसमें भी पीएफआई के लोगों का नाम सामने आया। उसके अलावा केरल और कर्नाटका में जो पीएफआई से रिलेटेड केस थे उसमें भी उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं पीएफआई के जो लोग हैं उनको जो पैसे आ रहे हैं वो गलत तरीके से आ रहे हैं। और इनका पैटर्न बहुत सीधा था। ईडी ने जो अपनी रिपोर्ट एनएचए को बना के दी थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विदेशों से पैसा आ रहा है, खास करके गल्फ कंट्रीज से, और जब ये पैसा आ रहा है तो वो पीएफआई के लोगों पर जाता है। तरीका ये होता है कि उसमें धीरे धीरे कैश निकाला जाता है, छोटे छोटे अमाउंट, ताकि वो कभी एजेंसीज के रडार पर ना आए और उसके बाद में वो बाकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसा बांट दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को रिपोर्ट बनाकर जब ईडी ने दिया, एनआईए ने अपनी तरफ से दिया किस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल है, तो इस बार की कार्रवाई इसीलिए अलग है क्योंकि इसके पहले हम एक मामले में देखते थे कि कोई एजेंसी कार्रवाई कर रही है। इस बार कई सारे जितने भी पीएफआई के मामले थे सबको शामिल किया गया, सबूत पहले इकट्ठा कर लिया गया और इन सबूतों के आधार पर ना सिर्फ 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई बल्कि 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और जो जानकारी हमें मिलकर आ रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक लगभग 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिनको कि अलग अलग राज्यों में, चाहे दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, कर्नाटका, केरल, इन सारे राज्यों में उनको डिटेन करके रखा गया, यानी कि हिरासत में रखा गया, पूछताछ हो रही है। तो जो 100 की गिरफ्तारी का आंकड़ा था वो बढ़ सकता है और इसका जो आखिरी अंजाम हो सकता है कि पीएफआई को आखिरकार एमएचए हो सकता है कि बैन भी कर दे इस बार। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, परवेज अहमद तो महज एक नाम है, और भी कई ऐसे प्रमुख होंगे जो अलग अलग जगहों पर इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं, और कौन से वो राज्य हैं? खासतौर पर हम केरल के बारे में जानना चाहेंगे, केरल में कहां कहां छापेमारी हुई है, क्या जानकारी मिल रही है, और साथ ही परवेज अहमद के अलावा और कौन से प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, जो अभी नाम सामने आ रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख परवेज का ही नाम सामने आ रहा है, परवेज अहमद का। इसके अलावा केरल की हम बात करें तो 7 से 10 जो इनके मेन जो ऑफिसेस थे वहां पर छापेमारी की गई, दिल्ली में 2 से 3 जगहों पर छापेमारी की गई, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में एक साथ छापेमारी को अंजाम दिया गया है। और ये भी जानकारी है कि 100 के करीब जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसके अलावा कई सारे डिटेंशन भी हैं, यानी कई सारे लोगों को फिलहाल हिरासत में एनआईए ने लिया है, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, 200-250 के करीब लोगों को डिटेन भी किया गया है। यानी जाहिर तौर पर कि जिस तरीके से जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा
तो जो सबूत मिले हैं एनआईए को अब तक, उसी आधार पर गिरफ्तारियां आने वाले टाइम में जो ये है ये संख्या बढ़ेंगी, क्योंकि जो डिटेंशन हुई है डिटेंशन अभी तक की पूछताछ के आधार पर की गई है, लेकिन इसके बाद जब जो सबूत और हाथ लगेंगे, जो दूसरों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, तो ये संख्या बढ़ेगी। और दरअसल ये पूरा मामला जो एनआईए का जो इन्वेस्टिगेशन है, इनके पास लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन का पुराना भी सामने रहा है, इनके पास कई सारे लिंक्स भी इस्टेब्लिश किए गए। चाहे देखिए, जब जो सड़कों पर खास तौर से जो हंगामे हुए पिछले कुछ दिनों में, उन हंगामों के पीछे कौन था, उनके पीछे जो फंडिंग थी, जो पैसा आया, क्या वो प्लान तरीके से किया गया, तो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कई जगहों पर यह है कि बिल्कुल प्लान तरीके से किया गया है और इन सबको फंड किया गया है। और जब उस फंड की जांच की गई तो कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम इसमें सामने आया, और उसके बाद से एजेंसियां जो है पीएफआई की फंडिंग को लेकर के उनकी वर्किंग इन दोनों तरीकों पे अलग अलग तरीके से काम करने लगी। जो फंडिंग था वो ईडी ने उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है, और इसके अलावा वर्किंग को लेकर के एनआईए और लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। अब आप देखिए, जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में जो बात निकल के सामने आई, वहां से जो डॉक्यूमेंट्स मिले, और उसके बाद जिस तरीके से तेलंगाना में कराटे कैंप की आड़ में जिस तरीके से ट्रेनिंग देने की बात सामने आई है, तो इन सब के आने के बाद एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। और जो अभी तक जो सोर्सेज से मिली जानकारी है उसके मुताबिक आने वाले टाइम में, अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो गिरफ्तारियों की संख्या काफी बढ़ेगी, और स्टेट्स हेड जो अलग अलग राज्यों के हेड हैं, जो जिलों की प्रमुख इकाई है, उनके लोगों को भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया हो सकती है।